ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अमित शाह जी जो आए हैं तो टीडी दल जो है हमला किया हुआ है बाड़मेर के अंदर, जालौर के अंदर, कश्मीर में, और वो बीकानेर कॉलेज आ गया आज कल और आ रहा है फरोजी दरबार। तो अमित शाह जी गृह मंत्री है और NDRF के चेयरमैन भी होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। गृह मंत्री जो होता है वो होता है फिर चेयरमैन होता है। हमने जो ज्ञापन भेज सके 700 करोड़ के भेज सके हैं, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। वो टीडीओ में हमले हो रहे हैं, टीडी विभाग भी जो है वो विभाग भी भारत सरकार के अंदर में आता है लॉकेस्ट का। आपको मालूम जोधपुर वालों को, तो जोधपुर में ऑफिस 50 आते उसका है और उसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं किया। NDRF का जो अकाल पड़ा हुआ है बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, उसकी कोई चर्चा नहीं कि भाई हम सैंक्शन कब करेंगे, मीटिंग में बुलाएंगे कोई उनको, दुखी नहीं है। TDA जो हमने इस पर किए हैं, पहले वो खरीफ फसल का नुकसान करती थी, पहला मौका है, कोई कहते हैं सालों बाद में 50 साल पहले हुआ वो, अभी कि पहला मौका है कि वो रबी की फसल तक चट कर रही है। और आपने कोई देखा होगा TV में, कहीं पर जाके आए होंगे, मैंने जाके आया जिन्हें पता नहीं पड़ा यहाँ कोई बोई हुई है, बुआई भी हुई है कि पता नहीं पड़ा आपको, ये स्थिति बन जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो कवर होता है हमारे इसमें ड्रॉट के अंदर कवर होता है, कोई भी चर्चा नहीं करी। तो गृह मंत्री जी का प्राइमरी ड्यूटी ये थी, वो TDO की बात करते, राहत की बात करते, राजस्थान को क्या राहत दे रहे हो, ज्ञापन भेजे जा चुके हैं उनको, केंद्रीय टीमें आ चुकी थी, रिपोर्ट जा चुकी है दिल्ली के अंदर, कोई चर्चा नहीं। तो मेरी एक तो शिकायत उनसे ही है। और दूसरा जो है, जिस प्रकार हुआ खड़ा गया, 50,000 लोग आएंगे यहाँ पर, और जो मैनेज की गई पूरे संभाग की, उनकी पोल खुल गई, ये पता नहीं क्यों ये इस प्रकार अभियान शुरू किया है जनसंपर्क करके समझाने का। अरे मोदी जी की एक बात मन की बात होती थी, देश समझता था, अब क्या जरूरत पड़ गई कि अभी भेज रहे हैं वो अमित शाह जी को जोधपुर में, किसी को और किसी राज्य में, सब जगह भेज रहे हैं। अब कहते 3 करोड़ जनसंपर्क करेंगे जनता से, 3 करोड़ परिवार से करेंगे जनता, तो नौबत क्यों आई इनकी, तो जब अगर आपने कोई गलती की नहीं है तो उसके बाद में क्या ऐसी स्थिति बन गई आपकी, आप सब जगह भेज रहे लोगों को और ऐसा माहौल बना दिया, और प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे यहाँ NRC कोई चर्चा ही नहीं है, तो गृह मंत्री कह रहे हैं मैं इसको लागू कर रहूँगा। तो ये खुद अपने खुद के वक्तव्य में खुद में ही जाल में फंसते जा रहे हैं। वाजपेयी जी के वक्त में भी सिटीजन्स एक्ट अमेंड हुआ था, कोई चर्चा भी नहीं हुई, ये 7वीं बार 8वीं बार हो चुका है, 7 बार हुआ कोई चर्चा नहीं हुई, इस बार चर्चा क्यों हो रही है। तो आप सोच सकते हो इस प्रकार देश को गुमराह करना नहीं चाहिए। अब क्या है, इसका एक कारण ये भी मानता हूँ, जो हालात बड़े गंभीर है देश के, आर्थिक स्थिति बहुत संकट के अंदर है, इनके खुद के जो एडवाइजर है, आर्थिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ICU में जा चुकी है। मिस्टर रघुराम राजन तो थे गवर्नर आरबीआई के, वो कहते हैं कि PMO पूरा कंट्रोल कर रहा है, इस कारण ध्वस्त हो रही है अर्थव्यवस्था। चिंता सरकार को करनी चाहिए अर्थव्यवस्था मजबूत वापस कैसे हो, कैसे हम लोग विश्वास में ले लें एक्सपर्ट को, विशेषज्ञों को, आर्थिक रूप से जो एक्सपर्ट हैं उनको। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सेवाएँ हमेशा फायदे रहती है सरकार के लिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रमन जो है, उनके हस्बैंड क्या कह रहे हैं, इन सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है, आप बताइए। और पंडित नेहरू ये भूल गए जिनकी नीति अच्छी थी, अब इनको चाहिए कि जो मिस्टर नरसिम्हा राव जी के वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने थे वित्त मंत्री, वो नीति जो लागू करी देश के अंदर, वो
उन नीतियों को अडोप्ट करना चाहिए अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो। उसके बाद क्या बच जाता है? अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी तो आप देख लीजिए आज रुपये का अवमूल्यन कितना होता जा रहा है। $140 प्रति बैरल था पहले तेल का दाम, तब भाव बढ़े थे यहाँ पर देश के अंदर, यूपी गवर्नमेंट को ब्लेम किया गया। आज 70 आ गए, आधे हो गए, तब भी भावों की उसे ज़्यादा बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, कोई पूछने वाला नहीं कि चाहते क्या है। रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, काला धन से आया नहीं, ना काला धन आया और ना फेक करेंसी खत्म हुई, आज भी काला धन वैसा वैसा है। मैं तो बोल रहा हूँ लगातार काला धन पर। तो मेरा निवेदन करना यह है कि सरकार से मेरा आग्रह है, आप जानबूझ करके असली मुद्दे है महंगाई का है, असली मुद्दा रोजगार का है कि नौकरियाँ नहीं मिली नौजवानों को, नौकरी जा रही है जो लगी हुई थी वो। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो आई है विदेश की और देश की, वो अपने 70-80% तक निकाल रही लोगों को जो काम कर रहे थे, वो IT कंपनी विशेष रूप से निकाल रही है। 400 शोरूम बंद हो चुके हैं देश के अंदर ऑटोमोबाइल के। टेक्सटाइल उद्योग तो विज्ञान में दे रहा है, हम संकट के अंदर हमें कोई बचाओ, ये स्थिति है। रियल इस्टेट का हालात सब जानते हैं, जमीनों की क्या स्थिति है। तो चारों ओर जो संकट से घिर गई सरकार, जानबूझ करके ये ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं। कभी 370 की बात कर रहे थे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए, राम मंदिर की बात आने लग गई। तो हर वक्त ये चाहते हैं कि देश की जनता है इन्हीं मुद्दों को लेके सोचती रहे, विवाद करती जाए, शांति का माहौल बने ही नहीं, जिससे कि ध्यान नहीं जाए जनता का अर्थव्यवस्था की तरफ। देखिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, देश मजबूत तब होगा, महाशक्ति तब बनेगी, विकसित राष्ट्र तब होगा तब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, मानव संसाधन मजबूत होगा और साथ में जिस रूप में ये पर कैपिटल इनकम में बात करता हूँ बढ़ेगी, तब जाके मालूम पड़ेगा कि भारत में हालत सुधर रहे। एक्सपोर्ट आपका घटता जा रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, GDP आपकी कम होती जा रही है, तो किस फ्रंट पे आप जो हैं कामयाब हो, कृपा करके बता दीजिए, देश को बता दीजिए, आप बता नहीं रहे हैं। तो मेरी शिकायत ये है, मेरे अपने शहर में आए और पूरा पश्चिमी राजस्थान का इलाका टीडी तक ग्रस्त हो गया, किसानों का आपको आंसू आ रहे हैं, उन्होंने जहमत ही उठाई उसके बारे में सब बोलने की भी। यहाँ जो हमारे शरणार्थी हैं जिसको लेके वो मिलते बार बार कह रहे, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, वो तो कागजों के अंदर रिकॉर्ड में है, होम मंत्रालय उनके पास में ही है। जो पत्र लिखा मैंने वो तो जग जाहिर है, और मैं तो कहता हूँ ऐसा पत्र मैं और लिखूँगा, क्योंकि अब क्या हुआ है, अभी तक भी 10,000 लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हो रहे हैं, नागरिकता पाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। क्या अमित शाह जी होने चाहिए था कल? मान लो वो आ गए हैं राजनीति करने के लिए, कल एक घोषणा करके जाते वो कि मैं 10,000-8,000 जो भी हैं यहाँ पर जो एलिजिबल हो गए हैं उनको मैं नागरिकता देने की घोषणा करता हूँ, तभी लोगों को लगता है आप आए तो कोई राहत मिली आपसे। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं उनके ऊपर। 15-20,000 लोग दूसरे बैठे होंगे जिनकी वगैरह चल दी, अभी टाइम लगेगा, 6 साल का जो समय होता है उसके अंदर। आपने ये जो आपने माहौल बना दिया मुल्क के अंदर, आसाम उदाहरण आपके सामने है, आसाम में मैं बार बार कहता हूँ 19 लाख लोग जो आउट हो गए उसमें 16 लाख हिंदू है, कोई जवाब है इनके पास में? आप सबको लाइन में खड़ा करना चाहते हो? लोग पहले मारे गए नोटबंदी के अंदर, आप हर आदमी को पूछोगे वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है चाहे ईसाई है चाहे जैन या फारसी है, सबके घर में जाकर पूछोगे आप मुझे माता का पिता का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ वो रहने वाले हैं, कहाँ पैदा हुए, संभव है क्या ये? और जरूरत है किसकी पूछना, वाजपेयी जी पूछ लेते, पूछना होता तो एक तो उनके वक्त में अमेंड हुआ है, किसी ने एतराज भी नहीं किया, आप मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व कर लेते, विपक्षी पार्टी को पूछ लेते, ये समस्या नहीं आती, कौन कोई आपको सलाह देता, ठीक हो जाती बात। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा जो आज देश में हालात है उसमें अर्थव्यवस्था अगर मजबूत नहीं हुई तो आने वाला भविष्य चिंताजनक है। ये स्थिति इनके फितरत के अंदर ये है, BJP नेता होंगे ना, उनकी फितरत के अंदर है कि वो बात ऐसी बोले जिससे भ्रम पैदा हो
और ध्रुवीकरण हो, इतनी गलतियाँ पैदा हो रही है। कौन मना कर रहा है कि प्रचारित हो गया माधव किसी मुल्क के अंदर, क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम सब मिलकर क्योंकि उनके देखभाल भी करें, खान पान की व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था करें, ये तो धर्म बनता हमारा। रास्ते निभाते हैं 40 साल से हम लोग दीपावली जाते हैं, कपड़े बांटने के लिए जाते हैं या मिलने जाते हैं उन लोगों से। हिंदू सिंह छोड़ा, इतना अच्छा काम कर रहा है वो, जिंदगी लगा दी उसे, बूढ़ा हो गया वो आदमी ये काम करता करता। अब उन्होंने क्या किया, इसमें फूट पट डलवा दी, जैसे पूरे मुल्क में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, या एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया उनके अंदर ही। अब बेचारे वो बाहर शरणार्थी दुखी है लोग, तो भाई हो सकता है इनसे ज़्यादा राहत मिल जाएगी, हम वहाँ चले गए। ये अच्छी बात है कि जो शरणार्थी कम से कम प्रताड़ित होकर आए हैं वो तो एकजुट रहते हैं, दो फाड़ कर दी उसके अंदर, उस पर लोग खुश हो रहे हैं, लोग कि हमारा स्वागत कर रहे हैं, शरणार्थी आगे स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कराने के लिए वो मिलेगा। एनसीईआरटी पे पूर्व मंत्री बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया जो व्यक्तिगत आपके ऊपर वो व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग किया उसके बारे में उन्होंने कहा अशोक गहलोत के साथ पीडीए मान जाए। कटारिया जी जब बोलते हैं, आप देखा होगा जब कभी टीम बोलते हैं तो वो उनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही ऑब्जेक्टेबल होती है। हाँ, उसमें मैंने उनको समझाया कि कृपा करके आप इतने सीनियर नेता हो और अब आप 75+ भी हो गए हो, इसलिए आप 75+ हो तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते कभी, आप गवर्नर बन सकते हो। तो मैंने कहा आप एक कैलाश मेवाड़े दूर बैठे हुए हो, अब मुझे लगता है जो भाषा काम ले रहे हैं बता दी, जो मैंने उस दिन उनको कह दिया गवर्नर बनने के लिए वो लाइन में लग गए हों और अपने हाई कमांड को खुश करने के लिए ऐसी भाषा काम ले रहे हो तो वो जाने दें, पर हम तो ऐसी भाषा काम उनके लिए नहीं ले सकते। वो चाहे तू चाहे कुछ भी किया हम लोगों को, पर हम तो कटारे साहब के बारे में कटारे जी कहेंगे, गुलाब सिंह कटारे जी कहेंगे हम तो, क्योंकि वो तो छीने नेता है, नेता प्रतिपक्ष भी है अभी तो, मेरा मैं वहाँ नेता सदन का नेता मैं हूँ, नेता प्रतिपक्ष वो है, तो मेरा फर्ज धर्म बनता है कि मैं उनका मान सम्मान रखूं नेता प्रतिपक्ष के तौर। सर, राजस्थान में एकमात्र डॉक्टर ब्लड कैंसर का है जो अपने MDM जोधपुर में है और कहीं है नहीं, और यहाँ भी MDM में जो पूरे यंत्र नहीं लगे हुए हैं, डॉक्टर गोविंद पटेल है उनका कहना है यहाँ कुछ सुविधा नहीं। सर, एक जैसे आपने बोला हम CA वो लागू नहीं करेंगे, CA NCR लागू नहीं करेंगे राजस्थान में, मगर जैसे अमित शाह कल बोल के गए हम तो लागू करके रहेंगे, तो आखिर अब क्या स्थिति बनेगी राजस्थान के? आपके घर पे किसी को आने देंगे नहीं हम लोग, ये तो कहते हैं सर में नहीं है केंद्र का काम लागू करना, क्या वो ये कहते हैं स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं केंद्र का काम लागू करना, अधिकार जनता आवाम किसे कहते हैं? आवाम ने उनको बिठाया है, आवाम ने मुझे बिठाया है, ठीक है, तो आवाम अगर नहीं चाहती है वो काम वो क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब दे। वो आवाम देश की जो काम नहीं करना चाहती है, लाइनों में नहीं लगना चाहती है, हेरेसमेंट नहीं होना चाहती है, सब सर्टिफिकेट लाओ फिर आप पैसे खिलाओ, नहीं सर्टिफिकेट है तो आपका आशा में आप विश्वास नहीं करोगे। अगर आप मेरे को जाना चाहें तो मैं भेजने भी तैयार हूँ आपको, फोन करके आओ, शरीर शुरू करके आ जाओ। अवसाद में लोग आ गए, लोग आत्महत्या कर गए, लोग मर गए बेचारे, 3 बार पैसे खिलाए उन लोगों ने इस सब काम करने के लिए, नाम हो रहा है इसमें आ नहीं जाए कहीं बाहर निकालने वाले लिस्ट के अंदर, पूरी पब्लिक को तंग कर दिया उन्होंने सालों, मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट की, अब लोग उतने आगे का कुछ हो ही नहीं रही है। तो मान ही हुई आपका, तो फिर आप पूरी मुल्क की बात पहले क्यों करते हो? आप ये कहते हैं नहीं हम पहले आसाम को ही वापस प्रयोग करेंगे, जो गलती हुई होगी उसको हम ठीक करेंगे, तो लोग फिर भी विश्वास करते हैं इनके ऊपर, भाई ये कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। आम जनता को समझते हैं समझती नहीं होगी, लोग समझते हैं आपके जैसे कहते हैं ना अखबार में लिखा हुआ बिटवीन द लाइंस क्या लिखा हुआ है, समझ गए आप? सर एक सवाल, बिटवीन द लाइंस क्या है? सर एक सवाल समझिएगा, बात सुनो, ये आप समझो, न्यूज पेपर पढ़ते हैं अपन तो खाली न्यूज पढ़ने से काम ही चलता है, पर सेंस क्या निकल रहा है? ठीक है कि तमाम जो NRC NRP
CAA ये तीनों अकेले कुछ नहीं है, लोग अकेला एक तीनों में से कोई कुछ भी नहीं है। केरल की तरह राजस्थान मिलाओ, केरल की तरह मिलाओ, तीन मिलाओ तो उनमें से धोनी निकली। सर केरल की तरह राजस्थान सरकार करेगी ऐसे? सर आप बाढ़ में गए थे पिछले दिनों, किसानों के बीच भी गए थे, क्या माहौल है वहाँ पंचायत चुनाव को देखे और रिफाइनरी को देखे? रिफाइनरी टॉप एजेंडा रहेगा हमारा, न्यूगी राजस्थान टॉप एजेंडा रहेगा। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।